हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नई और डरावनी कहानियां लेकर फिर से हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियां पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस की अपलोड पा सके और उन कहानियों को एंजॉय कर सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। इस कहानी का टाइटल है हॉन्टेड हॉस्टल। हॉस्टल वार्डन 3 दिनों के अवकाश पर थी। छात्रावास में ही कुछ ही दूरी पर शिक्षकों के आवास में रह रही अनुभवी शिक्षिका से रात्रि को छात्रावास में ही ठहरने का आग्रह किया गया, जिसे एक जिम्मेदार और कर्मनिष्ठ की भांति सहजता से स्वीकार कर लिया। रात को सभी छात्राओं ने भोजनालय में भोजन किया। भोजनोपरांत सभी अपने अपने कक्ष में चली गई। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने अपने आवास पर लौट गए। कुछ महिला कर्मचारियों के साथ उपरोक्त शिक्षिका ही छात्रावास में थी। सभी कर्मचारियों ने यथोचित भोजनालय की साफ सफाई की। तत्पश्चात छात्रावास के सभी द्वार बंद कर ताले लगाकर उन शिक्षिका महोदय के हाथों में चाबियां देकर यथास्थान अपनी रात्रि ड्यूटी पर चली गई। हॉस्टल 3 मंजिला था। प्रत्येक मंजिल पर 2 महिलाएं रात को ड्यूटी पर होती थी। छोटी बच्चियां यदि रात को उठकर प्रसाधन की ओर जाएं तो वे उनके साथ साथ जाती थी। बड़ी छात्राएं स्वयं ही चली जाती थी। प्रत्येक मंजिल पर सबसे कोने में विशाल प्रसाधन था, जिसमें कई कक्ष थे। बाहर की ओर हाथ धोने के लिए बेसिन लगे थे, जिनके ऊपर दीवार पर शीशे थे। वो स्थान इतना स्वच्छ साफ सफाई के पश्चात भी रात्रि तो रात्रि, दिन में भी भयावह सा प्रतीत होता था। विपरीत दिशा होने के कारण प्राकृतिक प्रकाश कम ही आता था, इसलिए लाइटों की अच्छी व्यवस्था थी। अचानक उस रात दूसरी मंजिल से किसी छात्रा के चीखने की आवाज़ से पूरा हॉस्टल हिल गया। सभी कर्मचारी उसी दिशा की ओर भागे जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखा तो कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा प्रसादन के भीतर बेसिन के पास बेहोश पड़ी थी। दूसरी अंदर से जोर जोर से चीख रही थी। सभी ने मिलकर उन दोनों को संभाला। कुछ सुध आने पर उन्होंने बताया कि प्रसादन के भीतर जाते ही सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। फिर भी वो बिना घबराए अंदर चली गई, पर जैसे ही दरवाज़ा भीतर से बंद किया, एक औरत दरवाजे पर उल्टी लटकी थी, जो देखने में बहुत ही भयावह थी। बाहर बेसिन के पास खड़ी छात्रा ने बताया कि बेसिन के सभी शीशों में एक भयानक सी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत डर गई और बेहोश हो गई। ये सब हॉस्टल में नया नहीं था, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी। अतः कार्यभार संभालने वाली उक्त शिक्षिका ने उन जगहों पर ताले लगवा दिए और सभी छात्राओं को सख्त आदेश दिया कि वे रात को अकेले उस ओर नहीं जाएंगी, परंतु किसी न किसी महिला कर्मचारी को साथ ले जाएंगी। छात्राओं को उनका भरम या नींद में होने के कारण होने वाली वहम बताकर समझा दिया गया। अगली रात्रि को सभी भोजन पर चले गए। बाहर भीषण कोहरा और हाथ कपाने वाली ठंड थी। जल्दी ही सभी छात्राएं सो गई। रात करीब 12:15 बजे भोजनालय के बाहर के कॉरिडोर में किसी की तेज पदचापों से शिक्षिका महोदया का ध्यान टूटा, क्योंकि पुस्तक पढ़ने की आदत के कारण वे ही शायद अभी तक जाग रही थी। सभी सो चुके थे। उन पदचापों में तेजी के साथ मधुरता भी थी, जैसे छोटे छोटे घुंघरू भी 7 बज रहे हों। ये आवाज़ उनके कमरे से बाहर से शुरू होकर भोजनालय तक बार बार जा रही थी। उनसे रहा न गया। वे हाथ में टॉर्च लेकर बाहर आई तो देखा कि भोजनालय, जहाँ रात्रि के कारण अब कुछ ही छोटे बल्ब जल रहे थे, कोई स्त्री रसोई की ओर जा रही है। उन्हें लगा कि शायद रात्रि में ड्यूटी पर रहने वाली कोई कर्मचारी होगी। उन्होंने उसकी ओर बढ़ते हुए ही उससे आवाज़ दी, इधर क्या करने जा रही हो? इस समय वो रुक गई और पलटकर भारी और डरावनी आवाज़ में बोली, दूध पीने, भूख लगी है, कहकर हंसने लगी।
उसका भयावह चेहरा और भरभराती आवाज, शिक्षिका महोदय वहीं बेसुध हो गई। अगली सुबह होश आया तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने विद्यालय और हॉस्टल छोड़ दिया, क्योंकि जानते हुए भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देना दुष्कर होता है, वहां मौन ही ठीक होता है। उधर हॉस्टल वार्डन अपने अवकाश समाप्ति पर वापस हॉस्टल आ गई, जहां उन्हें पिछली रातों हुई घटनाओं की जानकारी मिली। स्वभाव से कुछ नास्तिक प्रवृत्ति की वार्डन महोदया इस प्रकार की घटनाओं का प्रायः उपहास सा कर दिया करती थी। उन घटनाओं के विषय में सुनकर उन्हें भी उन्होंने उपहास में ले लिया। ये उपहास परिहास भोजनोपरांत देर रात्रि तक सभी छात्राओं के साथ बैठकर चलता रहा। कदाचित छात्राओं को निडर बनाने का ये एक उनका एक प्रयास भी था। सभी अपने अपने कक्ष में चले गए। वार्डन महोदया को रात में देर से भोजन करने की आदत थी, जिसे उनकी निकटतम महिला सहकर्मी भली प्रकार से जानती थी, जिसका नाम था रीना। अधेड़ उम्र, लगभग 50 के आसपास, परंतु परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ। भोजन से पूर्व वार्डन महोदया पूरे परिसर का एक चक्कर लगाती थी। सभी बच्चों की कुशलक्षेम देखने के बाद ही वे अपने कक्ष में आकर भोजन करती थी। उस रात भी वे दूसरी मंजिल पर चहलकदमी कर तीसरी मंजिल की ओर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर आगे आगे रीना जाते दिखाई दी। उन्होंने आवाज़ भी दी, मगर वो कुछ नहीं बोली, बस चलती ही गई। उसका ये व्यवहार देख वे सोच में पड़ गई और उसके पीछे पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तब तक रीना काफ़ी आगे निकलकर तीसरी मंजिल के कॉरिडोर की ओर मुड़ गई थी। आवाज़ देते हुए वे भी कॉरिडोर में मुड़ गई, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई भी नहीं था। सभी बच्चे अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। उन्होंने तुरंत कदम पीछे लिए और नीचे की ओर तेजी से चल पड़ी। अभी दो सीढ़ियाँ शेष ही थी कि भोजनालय की ओर से रीना उनकी थाली लेकर उनके कक्ष की ओर जाती दिखाई दी। उनके मुख से निकला, रीना तुम? वो बोली, जी मैडम, आपकी थाली लगा दी है, भोजन गर्म भी कर दिया है, ठंडा हो गया था। ये सुनते ही वे कुछ क्षण के लिए मूर्तवत जड़ हो गई। दो तीन बार रीना की आवाज़ देने पर वे चैतन्य हो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। भोजन की थाली लेकर रीना भी सोने के लिए आज्ञा लेकर चली गई। उस रात वार्डन महोदया एक अजीब सी बेचैनी के कारण सो नहीं पा रही थी। करवट बदलते बदलते उनके फ़ोन ने अलार्म भी बजा दिया। रात्रि 2 बजे करीब वे एक बार पुनः पूरे परिसर की जाँच पड़ताल करती थी। ये वही अलार्म था। वे उठी और अपना गर्म कोट और एक हाथ में टॉर्च लेकर वो कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों पर कदम रखने जा ही रही थी कि उन्हें कुछ बच्चों की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान देने पर पता चला कि ये आवाज़ें बेसमेंट में बने विशाल ऑडिटोरियम से आ रही थी। इस समय ऑडिटोरियम में बच्चे क्या कर रहे हैं, आश्चर्य से सोचते विचारते उनके कदम नीचे ऑडिटोरियम की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वहाँ जाकर देखा कि विशाल ऑडिटोरियम की ओर बढ़ते उनके कदम आगे बढ़ने को मानो तैयार नहीं थे। ठिठके और सहमे कदमों से वे आगे बढ़ी। सीढ़ियाँ उतरकर कुछ ही आगे चली थी कि उन्हें सामने दाहिने हाथ की दीवार के सहारे समान दूरी पर हाथों में किताबें लिए घुटनों को मोड़कर बैठी तीन छात्राएं दिखाई दी। रोशनी की कमी के कारण उन्हें टॉर्च जलाकर प्रकाश की तेज किरण उस ओर फेंकी। सहसा टॉर्च उनके हाथ से छूटकर जोर की आवाज़ के साथ गिर गई, क्योंकि ये वही तीन बहनें थीं जिन्हें कल प्रातः ही उनके पिताजी पारिवारिक विवाह समारोह के लिए आज्ञा पत्र लेकर घर ले जा चुके थे। ये कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, कहते हुए वे वापस ऊपर की ओर भागी। तभी सामने अकस्मात आकर खड़ी रीना को देखकर उनकी चीख निकल गई। मैडम जी, मैडम जी, कहकर रीना ने उन्हें झकझोर दिया और दोनों उनके कक्ष की ओर बढ़ चले। पानी का गिलास हाथ में देते हुए रीना ने पूछा, आप ठीक तो हैं मैडम जी? हाँ, कहते हुए उन्होंने खुद को संभाला। क्या हुआ, आप नीचे क्यों गई थी? वे चुप रही, क्योंकि क्या बताती भी, वे स्वयं भी अनभिज्ञ थी इन क्यों और क्या के प्रश्नों से। अभी कुछ समय ही बीता था कि उन्होंने रीना से कहा कि वो जाकर सो जाए, अब वे ठीक हैं। रीना भी अधूरी निद्रावस्था से व्याकुल उठकर जाने लगी। अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने को हुई ही थी कि कदम ठिठक गए। मैडम ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर जाना। वो एक क्षण के लिए वहीं खड़ी थी। बात समाप्त होते ही पीछे मुड़ी, भयावह चेहरा, विकृत हास और भरभराती आवाज़ में बोली,
मैडम जी अब रात को बाहर मत निकलना, कहकर दरवाज़ा बंद हो गया और भयावह हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। वार्डन महोदय अपने बिस्तर पर जड़सी हो गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार विचार आया कि बाहर जाकर सामने कुछ ही दूरी पर रह रहे आवासीय शिक्षिकाओं के पास चली जाए, परंतु चर्चा का विषय न बनना ही ठीक समझा। किसी तरह अपने हृदय को कठोर कर सोने का प्रयास करने लगी। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, ये सोचकर मन को ढांढस बंधाने लगी। अभी आंख बंद कर लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी ने पूरे वातावरण को अशांत कर दिया। वह जैसे ही फ़ोन उठाने को हाथ बढ़ा ही रही थी कि वह चुप हो गया। वह पुनः अपने कंबल की ओर मुड़ी। अचानक फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी। रात्रि के करीब 2:30 बजे का समय। घड़ी भी मानो भयभीत होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गहराते सन्नाटे को चीरती फ़ोन की घंटी की आवाज़ वे घबराहट में कुछ भी समझ न सकी। इस समय किसका फ़ोन होगा? कुछ समझ पाती कि उनके हाथ से अनायास ही फ़ोन उठ गया। उधर से एक जानी पहचानी आवाज़, मैडम मैडम आप जल्दी यहाँ आ जाइए। घबराहट के कारण आवाज़ भी स्पष्ट नहीं थी। कौन कौन बोल रहा है? मैं अनीता। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। अनीता? एक महिला शिक्षिका जो शिक्षक आवास में रहती थी, अविवाहित और अकेली, ये उसी की आवाज़ थी। मैडम कोई बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा। मैडम मैडम, एक चीख और फ़ोन कट गया। उधर वार्डन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया। मैडम मैडम, कोई खिड़की से अंदर आ गया है, मैं बाथरूम में छुपी हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैडम साथ वाले घर में रहने वाले सर को आवाज़ दो। अनीता अनीता, तुम सुन रही हो ना? यहाँ कोई नहीं है, सब घर चले गए हैं, कल छुट्टी है। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। अनीता अनीता, और फ़ोन कट गया। तभी कमरे के बाहर किसी के चीखने की आवाज़ उनके हाथों से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। कौन है बाहर? वो ज़ोर से चीखी, लेकिन उनकी चीख उनकी घबराहट से ज़्यादा नहीं थी। भय और संदेह ने उनकी आवाज़ को भी दबा दिया था। अब क्या करूँ? उन्होंने एक बार फिर खुद को संभाला। अपनी टॉर्च ढूंढ ही रही थी कि उन्हें याद आया वो तो बेसमेंट में ही गिर गई थी। तभी उनकी नज़र सामने रखी मोमबत्ती पर पड़ी। उन्होंने मोमबत्ती जलाने के लिए तीली जलाई। 1, 2, 3 तीलियाँ, हाथ कांपने के कारण माचिस भी नहीं जल रही थी। अब केवल एक ही तीली बची थी, आखिरी, वो जल पड़ी। झट मोमबत्ती जलाकर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की आहट लेने की कोशिश की। तभी किसी ने उनके दूसरे कान के बहुत ही करीब आकर धीरे से कहा, क्या हुआ मैडम? वे चौंक गई और चीखते हुए दरवाजे से बाहर निकल आई। उनके कमरे से एक भयावह अट्टाहास उनके कानों को अभी भी सुनाई नहीं दे रहा था। भागते हुए अचानक से वे किसी चीज़ से टकराई और ज़ोर की चीख के साथ गिर पड़ी। कॉरिडोर की लाइटें बंद हो गई, गुप अंधेरा। वो क्या था जिससे टकरा कर वह गिरी थी? लाइटें अपने आप कैसे बंद हो गई? और अनीता, उसका क्या हुआ? इतने घने अंधकार में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। ऐसे में वो चीज़ जो अब भी उनके पास ही थी, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, सारी लाइटें जलने और तेज़ी से बुझने लगी। उस रोशनी में ही उनकी नज़र उस मानव आकृति पर पड़ी जो पास ही थी। ये तो रीना थी। उन्होंने उसे आवाज़ देकर उठाने की चेष्टा की, परंतु वो उठी नहीं। तभी उस भयावह वातावरण को और भी भयानक बनाती एक भरभराती आवाज़ कॉरिडोर में गूंजने लगी। उन्होंने कुछ ही दूर सीढ़ियों की ओर देखा, एक अनदेखी अनजानी सी लड़की जिसका चेहरा उसके खुले बालों से पूरी तरह छुपा हुआ था, धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। मगर वो हाथों के बल चल रही थी, वो भी उल्टा, और उसके हाथ जिस भी जगह पड़ते जा रहे थे, रक्त रंजित निशान छोड़ते जा रहे थे। वो भयावह दृश्य देख वे तुरंत उठी और हॉस्टल के मुख्य द्वार की चाबी लेने के लिए एक बार फिर अपने कमरे की ओर दौड़ी। एक बार फिर उस कमरे में जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर रात्रि को चाबियाँ दे अपने कमरे में ही रखकर वो सोती थी। अचानक कमरे तक पहुँचते ही वो दरवाज़ा जोर की चरमराहट के साथ खुल गया अपने आप। वे जल्दी से अंदर गई और दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप। उन्होंने बिना देर किए इधर उधर देखे बिना ही चाबियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। तकिए के नीचे, गद्दों के नीचे, कहीं भी नहीं मिल रही थी।
उनकी सांसें तेज हो गई, धड़कनें और बढ़ गई। वे हर तरफ चाबियां तलाश रही थी कि तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़े चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। वो पलंग के पास ही पड़ा था। उन्होंने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक भद्दे और जले हुए से हाथ ने उनकी कलाई पकड़ ली जो पलंग के नीचे से निकला था। उन्होंने चाबियां वहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, और एक झटके के साथ अपने हाथ को छुड़ाते हुए दरवाजे की ओर लपकी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुल रहा था। लॉक को बार बार घुमाया, अचानक एक झटके में वो खुला और वे तेज़ी से बाहर की ओर भागी। इतनी देर में वो अजीब सी लड़की हाथों पर चलते चलते लगभग सभी सीढ़ियाँ उतर कर उनकी ओर बढ़ रही थी। वे तेज़ी से चाबियों में मुख्य द्वार की चाबी ढूंढने लगी। पहली चाबी लगाने की कोशिश विफल रही, दूसरी कोशिश भी, वो नज़दीक ही आती जा रही थी। अचानक तीसरी कोशिश में दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले कि वे कुछ और सोचती, अनीता की आवाज़ उनके कानों में गूंज गई। वे शिक्षक आवाज़ की ओर दौड़ी। इतना अंधेरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस पर बाहर परिसर में लगे वृक्ष और पौधे, तेज़ हवाएं, कभी दाहिनी ओर से किसी के निकलने का एहसास तो कभी बाईं ओर से किसी की आहट, मगर वे आगे बढ़ती रही। मौसम भी बदल रहा था, तेज़ हवाओं के साथ कुछ बूंदें गिरने लगी। वे आवाज़ पर पहुँचने ही वाली थी कि बादलों में कड़कड़ाती बिजली की तेज़ रोशनी में एक प्रतिबिंब सामने खड़ा था। उनकी चीख निकल गई जिससे पूरा परिसर कांप उठा। दूर कुछ ही दूरी पर खड़ा वो कोई और नहीं, अनीता थी। एक बार फिर आकाश में बिजली कौंध गई और उसके प्रकाश में उसका भयानक चेहरा देखकर वे चीख पड़ी। वे वापस हॉस्टल की ओर भागी। उनकी सांसें और भी तेज़ हो रही थी, धड़कनें बढ़ती जा रही थी, कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। फिर भी खुद को संभालते हुए वे भागी जा रही थी। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। आगे बढ़ने का हौसला भी दम तोड़ रहा था। अब क्या करे, कुछ भी समझ से परे था। अब क्या होगा, कैसे बचा पाएंगी वार्डन महोदया खुद को। बढ़ती जा रही धड़कनों को संभालते हुए, सांसों को थामे हुए वे बस भागती जा रही थी। आगे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी किसी तरह जीवन की लालसा उनकी इच्छा शक्ति को प्रबलता दे रही थी। उन्होंने हॉस्टल के गेट की ओर अनायास कदम बढ़ा दिए क्योंकि वहाँ दिन और रात में भी दो सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर रहते थे, परंतु वो गेट अब भी परिसर से अच्छी दूरी पर था। फिर भी वे चलती गई चलती गई। अब गेट दिखाई देने लगा था। उन्होंने वहीं से गार्ड को आवाज़ देनी चाही मगर उनकी चढ़ती उतरती सांसों ने उनका साथ नहीं दिया। वे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। मन में कहीं एक आशा थी कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और। वे बढ़ती गई, गेट पर पहुंचकर इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बंद गेट से ही बाहर जाकर गार्ड को आवाज़ दी। कोई नहीं था जो उनकी आवाज़ सुनता। तभी अचानक एक गार्ड उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और विकृत भयानक चेहरा। बोला, क्या हुआ मैडम जी। जोर का भयावह हास, चीखती हुई वे वापस हॉस्टल की ओर भागने लगी। भागते भागते वे हॉस्टल के भीतर पहुंची। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही बाई ओर उनका छोटा सा ऑफिस था जहां बैठकर वे अभिभावकों से मिलती थी और पूरे हॉस्टल का संचालन करती थी। आनन फानन में उन्हें कुछ नहीं सूझा। वे उसी कक्ष में चली गई, वहां रखे फ़ोन को उठाया और कांपते हाथों से नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी, उधर से आवाज़ आई, हेलो सर, मैं वार्डन, आप जल्दी यहाँ आ जाइए सर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सर सर आप सुन रहे हैं ना। फ़ोन कट गया। सामने की ओर रखी उनकी कुर्सी अचानक से घूमी जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। वही विकृत चेहरा और भरभराती आवाज़। बोला, मैं तो कब से यहीं हूँ, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उनके मुख से एक चीख के साथ आवाज़ आई, मैनेजर सर आप, और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर घड़ी ने भी 5 बजे का घंटा बजा दिया। सभी बच्चे अपनी दिनचर्या में यथावत लग गए। ऊपर ड्यूटी पर रही महिला कर्मचारी भी नीचे उतरी और मैडम जी को उठाकर अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी इस्तीफा भेजकर वापस घर जाना उचित समझा। आज के अखबार में पुनः आवासीय शिक्षकों और महिला वार्डन की रिक्तियां निकाल दी गई हैं। यदि आप में से कोई इच्छुक हो तो यथाशीघ्र आवेदन कर दे, कहीं देर ना हो जाए। हमारी दूसरी कहानी का टाइटल है शॉर्टकट। बात जनवरी 1997 की है। उस दिन कोचिंग की क्लास काफ़ी देर से ख़त्म हुई, लगभग 9 उसी समय बज चुका था। कोचिंग और घर की दूरी करीब 8 किलोमीटर की थी।
साइकिल से 35-40 मिनट लग ही जाता था। मम्मी से कहकर आया था कि आज थोड़ी देर होगी आने में। काफ़ी देर हो जाने की वजह से मुझे लगा क्यों ना आज शॉर्टकट मार ली जाए, इसलिए मैंने भी वो पीछे वाले पोखरे वाला रास्ता ले लिया। उधर का रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, मगर रास्ता लगभग 3 किलोमीटर बच जाता था। कभी उधर से गया तो था नहीं, इसीलिए मुझे भी कोई सा ज्ञान नहीं था। कुछ आधे रास्ते के बाद एक बड़ा सा पोखरा पड़ा। उस पोखरे के आसपास न कोई मकान, न ही कोई दुकान। इतने सन्नाटे की उम्मीद मुझे न थी। उस सन्नाटे को देख आगे बढ़ने को मन ही मन नहीं कर रहा था। दिन का वक्त होता तो बच्चे बूढ़े सभी दिखाई देते, मगर रात 9:15 बजे पर कौन दिखता। दाहिने हाथ पर तो खेत ही खेत और बाएं हाथ पर बड़ा सा पोखरा। कुछ कुछ कोहरा भी दिख रहा था। रास्ता भी इतना सन्नाटा कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साइकिल की चेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जेब में रखे कुछ अठन्नी और सिक्कों की आवाज़ किसी भूतनी के पायल की आवाज़ से कम न थी। जब जब पैर की दिशा बदलते तब तब छन छन की आवाज़ आती। जब तक ध्यान न गया था तब तक तो ठीक था, मगर जैसे ही सिक्कों की आवाज़ आना शुरू हुई हर एक खनक पर दिल बैठ सा जाए। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। उसके आगे दूर दूर तक कोई रोशनी ही नहीं थी। बड़े ही असमंजस में पड़ा, करूँ तो क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या पीछे लौटूँ। बार बार अपने माँ की कही एक कहावत याद आ रही थी, आगे चला हूरा पीछे चला थूरा। मतलब वापस जाने का मतलब कि फिर से उतनी ही दूरी और फिर से सफ़र की शुरुआत। हिम्मत बांध आगे बढ़ा, सोचा देखूंगा क्या होता है। सफ़र के साथ कोहरा भी बढ़ते जा रहा था। कुछ दूर तो ठीक चला, फिर एक गड्ढे में टायर के पड़ते ही मैं ज़मीन पर आ गिरा। वहीं एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ की डालियां ज़मीन तक झूल रही थी। थोड़ा संभला ही था कि मुझे लगा किसी ने मुझे पुकारा है। एक बार तो मैंने कान लगाकर सुना, पर जैसे ही दोबारा मेरे कानों ने आवाज़ आई मैं अपनी साइकिल तेज़ी से उठाकर भागा। पोखरा खत्म होने को आया, अब जाकर कुछ सांस में सांस आई। यहाँ कुछ रोशनी थी, कुछ एक सरकारी पोल गड़े हुए थे, वहीं से रोशनी आ रही थी। पीछे एक बार कैरियर पर हाथ लगा देखा तो कुछ भी न था। मेरे तो होश ही उड़ गए, पूरा बस्ता गायब था। मुझे समझ आया कि पक्का वहीं पर गिरा होगा। बस्ते को याद करते ही पूरा शरीर सन्न कर गया। लौटने के ख्याल से फिर वही आवाज़ का ध्यान आया। किसी तरह फिर से हिम्मत जुटा, वापस लौटने को जिगर बनाया। धीरे धीरे साइकिल चलाते जा रहा था क्योंकि एक बार पहले भी गिर चुका था। हाथों पर कुछ स्पर्श से हुआ, देखा तो पेड़ की झूलती डालियाँ थी। मन ही मन सोचा यही पेड़ है, हाँ यही गिरा था, यही होना चाहिए। और फिर नीचे ज़मीन पर ही बस्ता ढूंढने लगा। एकाएक बस्ता हाथों से टकराया, लेकर उठा तो मानो किसी ने दूसरी ओर से पकड़ रखा हो। थोड़ा खींचा मगर पूरी तरह आया ही नहीं। हाथ आगे बढ़ा, दूसरी छोर तक पहुंचा तो देखा बस्ता पेड़ के पास अटक गया था। एक लंबी सांस ली और जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठ निकलने लगा। तभी फिर से आवाज़ आई और इस बार ये आवाज़ मेरे कुछ ज़्यादा ही पास थी। डर से हाथ पाँव काँपने लगे, साइकिल उठा तुरंत निकल दिया वहाँ से। रास्ते में जितने भी देवी देवता याद आए सभी का नाम ले चुका था। दूर रोशनी दिखी तो बस अपनी मंजिल उसी को बना चल पड़ा। जब वापस पोखरे के आखिरी पर आया और रोशनी पाया तो साइकिल रोक सुस्ता रहा था। मुझे ऐसी हालत में देख एक सज्जन पुरुष मुझसे पूछ बैठे, सब कुशल तो है बेटा, इधर किधर से आ रहे हो। मैंने बताया कि आज कोचिंग से आने में देर हो गई, इसलिए इस रास्ते से ही लौट आया। गनीमत है सही सलामत लौट आए, इतना सुना मैंने। फिर पूछा क्यों, बहुत लोगों ने किसी को पुकारते सुना है इस रास्ते पर, और सुना है पलट कर देखने वाला आज तक लौट कर नहीं आया है। इतना सुनते ही मैं पोखरे वाले रास्ते पर देखा और फिर वापस पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। इस बार डर का दामन थामे जो अपनी साइकिल चलाना शुरू किया तो सीधा अपने घर के दरवाजे पर रुका। उस रात के बाद मैंने कान पकड़ा कि अब जीवन में शॉर्टकट कभी भी नहीं मारूंगा। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।